पाजी क्या हो गया पाजी? मैंने वैसे बता रहा हूँ, लिटरली एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ऐसा होगा भाई। मुझे किसी चीज़ की दिक्कत नहीं है, मेरे तो शूज़ ने दिक्कत करी, शूज़ ठीक हो गए। यहाँ पे ना ऑक्सीजन की बहुत प्रॉब्लम है, हम कुछ वो भी नहीं लेकर आए भाई, लिटरली बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो चुकी है। बट मुझे ये खुशी है कि यार मैं मतलब फाइनली ना बाबा जी के पास पहुँच गया, सो दैट इज़ द बेस्ट थिंग। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सो गाइस अभी सुबह के 3:30 बज रहे हैं और पाजी हम कहाँ जा रहे हैं? अभी हम जा रहे हैं श्री हेमकुंड साहब यात्रा करने। सो तो हम फाइनली गुरुद्वारे के दर्शन करने जा रहे हैं। वैसे जब जो हमारा प्लान था हमें सुबह 7 बजे निकलना था, बट पाजी हमें मिले हैं। पाजी का भी यूट्यूब का चैनल है, मैं लिंक नीचे डाल दूंगा, आप शायद पाजी को जानते ही होंगे। बाकी हम अभी 4 बजे निकल रहे हैं और हम कल से मैं दमन पाजी ये अर्शदीप पाजी हम बिल्कुल भी सोए नहीं है। मतलब जब से मैं गोविंद घाट से निकला हूं ना, हम यहाँ पहुंचे मतलब आधे घंटे की मुश्किल से नैप ली होगी, उसके बाद से उठे हुए हैं। और हम अभी इतनी जल्दी क्यों जा रहे हैं हेमकुंड साहब? बिकॉज वी जस्ट वॉन्ट टू रिकॉर्ड दी ओपनिंग ताकि हम आप सब लोगों को दिखा पाए। ज्यादा बर्फ है यहाँ पे, 15-15 फुट बर्फ है आज भाई देखने वाले हैं और उस रास्ते से निकलने वाले, खतरनाक रास्ता है। बाकी मैं बहुत एक्साइटेड हूँ कि वी आर फ्यू ऑफ देम जो फर्स्ट ओपनिंग का इस साल का व्लॉग रिकॉर्ड करेंगे। तो गाइस चलते हैं एंड बस इस व्लॉग को आपने सपोर्ट करना है और लाइक जरूर दबा देना। तो यहाँ पे सुबह सुबह चाय का लंगर हो रहा है, तो पाजी यहाँ पे चाय पीने आया है। मैं तो खैर चाय पीता नहीं, मैंने आपको एक बात बताऊँ, मैंने आज तक लाइफ में चाय नहीं पी पाजी, पर इतनी बुरी चीज भी नहीं है। आप चाय फ्री को, मैं कॉफी फ्री को, मैं कॉफी लवर हूँ। इस टाइम में कॉफी मिलेगी नहीं यहाँ पे। कोई बात नहीं पाजी, अब हम ऊपर जाएंगे, कुछ नहीं खाना, ऊपर जाके हम लंगर खाएंगे। सो गाइज यहाँ पे हॉल भी है, मतलब अगर आप अपने फ्रेंड्स के साथ आते हो ना तो आप गुरुद्वारे में हॉल में भी रुक सकते हो। और पाजी जो अपना यहाँ पे आप बता रहे हो रूम्स हैं वो भी फ्री यहाँ के मिल जाते हैं? फ्री रूम्स होते हैं, फैमिली के साथ आओ तो गीजर वीजर भी लगा होता है, अच्छे रूम्स भी मिल जाते हैं। क्या बात है, क्या बात है। फाइनली हमारी जो ट्रैक है वो स्टार्ट हो गई है एंड जो सृजन है, सृजन की खांसियाँ नहीं रुक रही हैं, बट फिर भी भाई फुल ऑन ट्रैक कर रहा है भाई, यही जोश चाहिए भाई हमें। आपको प्रॉपरली दिख नहीं रहा होगा बट सामने वाला व्यू देखो यार, कितना ज़्यादा ब्यूटीफुल है। जब एक बार सुबह हो जाएगी ना तब आपको और प्यारे व्यूज दिखेंगे। तो गोविंद घाट से गोविंद धाम की ट्रैक थी वो फिर भी थोड़ी इजी थी, बट ये वाली जो ट्रैक है ये किलोमीटर वाइज तो कम है बट बहुत ज़्यादा टायरिंग है। ये 6 किलोमीटर है, वो 12 किलोमीटर थी, वो 10 और ये 6। हाँ वो 10 थी, बट जो यहाँ वाली 6 है ना वो वहाँ के 15 के बराबर है जहाँ तक मुझे लगता है। बाकी लेट्स सी भाई, बाबा जी का नाम लेके चल रहे हैं एंड आई होप पहुँच जाएंगे भाई। जैसे कल अचीवमेंट करी थी ना गोविंद धाम पहुँचने की, वैसे ही जैसे हेमकुंड साहब पहुँचेंगे तो वो भी एक अपने लिए एक अचीवमेंट होगी। गाइस इस टाइम जो टाइम है वो अराउंड 5 बज रहे हैं, फिर भी देखो कितनी सारी संगत यात्रा कर रही है। मेरे को कल तक लग रहा था कि संगत जो है ना यात्रा शुरू करेगी 7 बजे, बट मुझे नहीं पता था कि लोग 3 बजे से ही चलना शुरू कर देते हैं। सृजन अब आप ओके हो भाई? हाँ पक्की गल है। हाँ जी यार, इस बंदे की दाद देनी पड़ेगी, मतलब बेचारे के पूरे काव्स में दर्द हो रहा है फिर भी चल रहा है भाई, कि कई बार इशू आ जाता है बंदे के, लेकिन ठीक है भाई, गुड है। ओके किसी चीज़ की दिक्कत हो बता दियो भाई, अगर ज़्यादा दर्द हो, अगर बैठना हो घोड़े पे बैठ जियो, अपने आपको अपनी हेल्थ को हार्म ना करियो। मैंने यहाँ पे एक इशू देखा है कि अगर आप खच्चर ले लो नीचे से तो आपको पड़ता है 1000 रुपये का, और यहाँ पे अगर आपको चाहिए खच्चर तो कितने रुपये मांगते हैं भाजी? मांगते हैं यहाँ पे भी 1500 है बाद में भी, लेकिन वो बार्गेनिंग करके 800, 600, 700 में डर। कोई नहीं आ रहा हो यार 800, 600, 700 में, बात तो करके देखो एक बार। बाकी भाई अपने दमन पाजी का रात तक प्लान था, मैं खच्चर पे आऊँगा, अभी हमने उनको कॉल करा है, कह रहा भाई मेरा प्लान ड्रॉप हो गया, मैं पैदल आ रहा हूँ, बट मैं जेन्युइनली बता रहा हूँ उनकी ना पैर में लगी हुई है तो वो नहीं आ सकते भाई बिना खच्चर के, क्योंकि ये तो बहुत ज़्यादा स्टीप है। कल जो गोविंद घाट से गोविंद धाम का रास्ता था ना वो तो बहुत ही सिंपल था भाई, अगर मैं आज देखूँ ना वो तो लिटरली बहुत सिंपल था,
ये तो भाई उससे 10x ऊपर है भाई। सही बात है। वैसे क्रिप्टो में 10x हो जाते हैं ना, बस यहाँ पे रास्ता 10x हो गया। तो भाई सृजन की बहुत ज्यादा तबीयत खराब हो रही थी, सामने देखो इधर है वो। तो भाई उसने घोड़ा कर लिया, मैंने कहा यार तू करवा ही ले यार, क्योंकि उसे परेशानी हो रही थी। बाकी भाई मैं तो पैदल ही जाने वाला हूँ, पाजी भी पैदल ही जाने वाले हैं, पूरा पैदल है ना। बाकी पाजी इस पेड़ के बारे में बता रहे थे कुछ। ये भोजपत्र पेड़ है सामने, महाभारत काल में ना लेटर के लिए इसी का यूज किया जाता था, संदेशा वंदेशा भेजने के लिए, किसी से बात करने के लिए, लव लेटर के लिए भी। चलो भाजी लिख दें एक लेटर फिर। हाँ। बाकी यार ये अंकल ने पूरी वॉक करी है भाई ढंग से, और भाई मतलब सल्यूट है भाई अंकल को कि इतनी दूर अंकल चल के आए हो है ना। अंकल वेरी नाइस। क्या बात है, क्या बात है। बस अब जो ग्लेशियर्स हैं वो फाइनली विजिबल हैं, और पीछे भी ग्लेशियर्स हैं, और जो मेन जो रास्ता है ना जहाँ तक घोड़े जाते हैं वो यहाँ से मुश्किल 1 किलोमीटर दूर है। तो मेरे को पता नहीं क्यों लगता है सृजन ने गलती करी है, लेता तो पहले ले लेता घोड़ा। इस टाइम पे खच्चर लेने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि 3 किलोमीटर तक जो स्टार्टिंग है ना, हाँ जी, वहाँ तक ही सिर्फ खच्चर ले जा सकता है। हाँ। फिर 3 किलोमीटर आपको तब भी पैदल जाना है, तो फिर फायदा क्या हुआ खच्चर का। और कभी भी आप यात्रा करो ना, जब आपको ग्लेशियर देखने लग जाए तो समझ जाओ कि आप 2 किलोमीटर वॉक कर चुके हो। हाँ जी। तो 2 किलोमीटर हमने ऑलरेडी वॉक कर लिया और 1 किलोमीटर हमने और जाना है, उसके बाद 3 किलोमीटर ग्लेशियर के अंदर वॉक करनी है, फिर हम पहुंच जाएंगे श्री हेमकुंड साहिब। बाकी अगर यहाँ पे नेटवर्क्स ना है ना, हमें एक बहुत ही सही हैक मिला है कि अगर आपके पास जियो का सिम है और LTE लिखा हुआ है, तो जब तक आप किसी को कॉल नहीं करोगे ना तब तक नेट नहीं चलेगा। हाँ जी। और जैसी कॉल करी हमने तभी नेट, तो भाई नेट चलता रहा। तो कल मैंने भाई अपनी गर्लफ्रेंड को कॉल करके रखी कम से कम 1 घंटा, और साथ ही साथ मैंने ब्लॉग भी अपलोड कर दिया। अब मैं यूजली बिजी रहता हूँ, अब मैं यूजली बिजी रहता हूँ, ज़्यादा कॉल नहीं कर पाता जब मैं ट्रैवल करता हूँ। वो भी कह रही है नूर को क्या हो गया भाई, 1 घंटा कॉल कर दिया। हाँ। तो आप भी यूज कर सकते हैं। हक हक लगा गुरु गोबिंद सिंह, शाह शहंशाह गुरु गोबिंद। एक सब्सक्राइबर मिले हैं एंड पाजी को सलूट है यार। पाजी मतलब नंगे पैर वॉक कर रहे हैं, मतलब बहुत बड़ी बात है। जो भी आपके साथ प्रॉब्लम है वो जरूर ठीक हो, और हमारी विशेष आपके साथ है भाजी, और हमारे सब्सक्राइबर्स की भी भाजी। ओ दमन सेठी पाजी आप तो पैदल आ रहे थे। ये इन्होंने गिट्टो यही बोला था। क्या बोला? इन्होंने यही बोला था कि ये थोड़ा वो चलेंगे फिर कहेंगे मैं तो पैदल ही आया था, अभी तो लिया मैंने घोड़ा। भाई इधर लिटरली ऑक्सीजन नहीं आ रही है, अब जाके ना थोड़ा सिर फटने लगा और दिमाग घूमने लगा। गाइज ऊपर से देखो यार, पूरा का पूरा गोविंद धाम दिख रहा है। हम लोग यहाँ से ट्रैक करके यहाँ पे आए हैं। ये वीडियो में तो आपको बहुत लग रहा होगा कि हाँ भाई इतना कोई वो नहीं है, बट आप जब आओगे ना यू विल फील इट, लिटरली यू विल फील इट। आप ऐसे दिखा सकते हो, देखो रिवर से इस माउंटेन की हाइट दिखाओ, रिवर से इस माउंटेन की हाइट दिखाओ, कितना बीच में मिडवे में हम, तो हम एग्जैक्टली मिडवे में आ चुके हैं इस वक्त। थोड़ा सा ही फर्क रहा होगा मिडवे में। हाँ। और हमें ऊपर तक जाना है चोटी तक। अगर आप यहाँ पे आ रहे हो और आप ओके रिपोर्ट हो ना, तो आपको घोड़ों की नीड नहीं है, अंटिल एंड अनलेस आपकी बहुत ज्यादा तबीयत खराब हो रही है या आपके जॉइंट्स में पेन हो रहा है। भाई इन अंकल की एज भी 74 है और भाई हेमकुंड साहिब की यात्रा कर रहे हैं। अंकल आप अकेले आए हो? अकेले आए हो अलोन? भाई अंकल अकेले आए भाई, भाई बहुत हिम्मत है इनकी सच्ची। भाई मैं भी चाहता हूँ अंकल, मैं आपकी तरह बनूंगा, मैं आपके जितना हो जाऊँ ना। हाँ। कि मैं इतना तक आ पाऊँ, इतना झुके हूँ मैं। गाइस धीरे धीरे टफनेस बढ़ी जा रही है। बाकी अब हमारे लेफ्ट साइड पे है स्नो, अभी तो स्नो सिर्फ स्टार्ट हुई है। हाँ जी हाँ जी, अभी तो भाई प्रॉपर जो स्नो है ना वो आनी बाकी है। अभी यहाँ पे ना कुछ बच्चे शॉर्टकट मारने की कोशिश कर रहे थे, लिटरली भाई ये बच्चा गिरते गिरते बचा भाई। तो अभी हम पी रहे हैं लोहरी जीरा, जीरा 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 लोहरी। तो भाई यहाँ पे ये हर 500 मीटर में 600 मीटर में कहीं ना कहीं सेवा हो रही है, कोई कैश्यू नट्स दे रहा है, कोई जीरा दे रहा है, कोई अपना छाछ दे रहा है। भाई मतलब इतनी सेवा मैंने आज तक नहीं देखी भाई, लोग लिटरली ग्लेशियर्स में खड़े हैं और सेवा कर रहे हैं भाई। और बाकी मैं तो यार सबको रिकमेंड करूंगा, ठीक है यार यहाँ सिख तो बहुत आते ही आते हैं भाई, जो नॉन सिख भी है ना मैं आपको लिटरली अपनी तरफ से रिक्वेस्ट करूंगा, मेरे कहने पे साहब की यात्रा करो भाई, दिस वुड बी योर बेस्ट मोमेंट। ठीक है थोड़ी टफ है, बट जब आप हेमकुंड साहब गुरुद्वारे पहुंचोगे ना यू विल लिटरली फील दैट यू आर इन हेवन, और भाई जो आपने मन में सोचा होगा ना वो काम आपके अपने आप पूरे हो जाएंगे, ट्रस्ट मी ऑन दिस। सही बात है, यहाँ पे इतना श्रद्धा से लोग आते हैं ना और इतने प्रेम बिहार से
प्रसादा प्लस यहाँ पे लंगर लगाते हैं, आपका दिल खुश हो जाएगा उनसे मिलके। और सबसे बड़ी चीज तो गाइस ये है कि अभी ना इतना इतने अभी लोग आए नहीं तो अभी इतना ज्यादा यहाँ पे प्रसाद मिल रहा है, बट जब संगत बढ़ेगी तो आप लगा लो हर 100 मीटर में आपको प्रसाद मिलेगा। आप जब देहरादून से हेमकुंड साहिब आ रहे होंगे ना तभी भी आपको रास्ते में प्रसाद मिलेगा, मतलब हर जगह लंगर की सेवा हो रही होगी। हाँ जी, और वहाँ पे सब लोग खाते हुए देखेंगे आपको, सब धर्म के हर जात के, कोई डिफरेंस नहीं किसी में भी, तो सबके लिए खुला लंगर मिलता है भाई। इधर बहुत ज्यादा पाला जमा हुआ है और भाई लिटरली इतने सारे लोग पीछे गिरे हैं इंक्लूडिंग मी। बाकी नीचे देखो गाइस व्यू चेक। सो भाई आप देखो कितनी ज़्यादा संगत है यहाँ पे, हम कम से कम ये 10 मिनट से खड़े हैं तो यहाँ पर ना बहुत ज़्यादा स्नो हो चुकी है तो हर बंदा स्लिप हो रहा है, तो सब थोड़ा ना कॉशियस होके वॉक कर रहे हैं कि कोई इशू ना हो जाए। और सही है भाई, धीरे धीरे चलो, कोई इशू नहीं है, बहुत लोग भाग भी रहे हैं गलत गलत जगह से इधर से चढ़ के, बट भाई आराम से चलना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सामने देखो गाइस आपको निशान साहिब दिख रहा होगा, ये है हेमकुंड साहिब गुरुद्वारा। तो भाई मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ वहाँ पे पहुँचने के लिए। भाई अपनी लिटरली बहुत ज़्यादा वाट लग चुकी है, ठीक है। सबसे मेन इशू ये है कि जो अपने जूते हैं ना भाई वो गलत हैं, जहाँ पैर रखता हूँ वहाँ स्लिप हो जाता हूँ, जहाँ पैर रखता हूँ वहाँ स्लिप हो जाता हूँ। बाकी पाजी की एनर्जी पूरी है, हाँ चलो, लेकिन पाजी को थोड़ी जल्दी है क्योंकि हमने ओपनिंग में पहुँचना है। राइट नाउ द टाइम इज़ 9:09 या तो राइट नाउ द टाइम इज़ 9, सो वी नीड टू रीच हेमकुंड साहिब बाई 10:30 एटलीस्ट। तो हम ले रहे हैं सीढ़ी वाला रास्ता, तो हम सीढ़ियों से जाने वाले हैं और दूसरे रास्ते से नहीं जाना, राइट, बिकॉज वो रास्ता स्लिपरी है, दैट इज नॉट गुड फॉर मी। सो हम यहाँ से जाएंगे, बस 5 मिनट रेस्ट, देन बस। ये दो रास्ते जा रहे हैं, देख लो, ये नॉर्मल वाला है और ये रास्ता है सीढ़ियों वाला, तो ये स्लिपरी नहीं है, सो होपफुली विल टेक दिस वे। सो एक निंजा टेक्निक अपनाई है, शूज थोड़े शायद से स्लिप ना करें, सॉक्स को बाहर कर दिया है और शूज के ऊपर सॉक्स चढ़ा रहे हैं अब, तो इससे थोड़ा स्लिप होना कम हो जाएगा। तो भाई अभी ना हम ऊपर को आ रहे थे तो हम सीढ़ियों के रास्ते से आए, आई डिडंट न्यू कि यहाँ पर भी स्नो होगी, और लिटरली भाई ऊपर आते आते ऐसी तैसी हो गई, जस्ट बिकॉज जो मेरे शूज़ थे मैंने आपको बताया वो स्पोर्ट्स शूज़ हैं और वो स्लिप हो रहे थे बहुत ज़्यादा। तो पाजी ने आइडिया दिया, कहते भाई इसके ऊपर सॉक्स पहन, पहले तो मैंने मना किया, फिर उसके बाद 2-3 लोगों ने और मना किया, बट पाजी ने कहा तू पहन, तो मेरी बात तो सुन, नहीं समझ आएगा तो वापस चले जाइए। फिर मैंने शूज़ के ऊपर सॉक्स पहनी, देखने में थोड़ा ऑकवर्ड लग रहा है, लेकिन मैं आपको जेन्युइनली बता रहा हूँ कभी भी पहाड़ी इलाके में जाओ जहाँ पे ग्लेशियर्स हो, स्नो हो, दिस इज द बेस्ट ट्रिक। जैसे गाड़ी में ट्रैक्शन कंट्रोल ऑन हो जाता ना स्नो मोड, ये वैसी वो वाला सीन। तो बस यार बाबा जी के पास जाना था तो बाबा जी ने कोई ना कोई रास्ता निकाल ही दिया, एंड आई एम सो हैप्पी। पहले तो ये लग रहा था डंडा जो है ना इसके नीचे से ना निकल जाओ, इतने ज्यादा जूते स्लिप हो रहे थे। सो फाइनली जूते स्लिप हो रहे थे ना, हाँ जी हाँ जी, बिल्कुल भी स्लिप नहीं हो रहे, हाँ। और अब जाके जान में जाना ये, बिकॉज यहाँ से खाई थी इटली भाई, मेरी हालत खराब थी भाई, ऐसी जैसी हो गई थी, हाँ जी हाँ जी, बट नाउ एवरीथिंग इज गुड एंड नाउ वी आर गोइंग टुवर्ड्स गुरुद्वारा। बस आराम मिल गया भाई को, फाइनली सुकून है, भाई को ऊपर तक लेके जाएंगे साथ साथ कैसे भी। पहले मेरा भी ऐसे ही हाल होता था, पर अपन को हौसला भरना पड़ता सामने वाले के अंदर, फिर हर कोई पहुंच जाता ऊपर तक। भाई सामने वाला रास्ता देखो यार, लोग कितना गोल गोल घूम के जा रहे हैं, और अपना रास्ता बिल्कुल स्ट्रेट स्ट्रेट है, सामने निशान साहिब भी दिख जाएगा, पीछे देखो गाइस बस थोड़ा सा दूर निशान साहिब, यहाँ से मेरे को लगता है और 10-15 मिनट, हाँ 10-15 मिनट मुश्किल से मुश्किल 200 मीटर। तो भाई थोड़े एनर्जी लेवल्स लो रखे हैं, तो मैं तो सोच रहा हूँ कि आराम आराम से जाए तो 15-20 मिनट लगेंगे। इस टाइम पे तो धूप इतनी ज़्यादा ना कि आंखें भी नहीं खुल रही, एंड इवन आई नॉट एबल टू टॉक टू यू बिकॉज भाई एनर्जी लेवल बिल्कुल क्रैश है, हमने कुछ खाया भी नहीं, जस्ट बिकॉज आई डोंट वांट कि भाई थोड़ा ब्लोटिंग हो जाए। अब हम ऊपर जाके सीधा लंगर सकेंगे। पाजी क्या हो गया पाजी? मैंने इसके बता रहा हूँ, लिटरली एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ऐसा होगा भाई, मुझे किसी चीज़ की दिक्कत नहीं है, मेरे तो शूज़ ने दिक्कत करी, शूज़ ठीक हो गए, यहाँ पे ना ऑक्सीजन की बहुत प्रॉब्लम है, हम कुछ वो भी नहीं लेकर आए भाई, लिटरली बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो चुकी है। बट मुझे ये खुशी है कि यार मैं मतलब फाइनली ना बाबा जी के पास पहुँच गया, तो दैट इज़ द बेस्ट थिंग। मतलब लिटरली बाजी को ना रोना आ गया भाई इस रीज़न से ना कि आपने इतना सपोर्ट किया ना, कोई नहीं करता भाई, सब निकल गए, आप साथ के साथ खड़े रहे, आप तो 2 घंटे पहले भी पहुँच सकते थे ईजिली, बट पाजी वॉज स्टैंडिंग बिसाइड मी, मतलब तेज जाके भी रुकी जा रहे। तो पाजी रिस्पेक्ट है जी, कोई नहीं भाई, जैसे आज आपकी हालत ही ऐसे भी मैं भी था, हमेशा खड़ा हूं आपके साथ, पक्की गल है। आप बस ये दर्द उनसे कहोगे ना भाई लद्दाख आ जाओ, जरूरत पड़ेगी मैं आ जाऊंगा आपके लिए। चलो वैसे अपना भी ऐसे ही टाइम हुआ करता था एक टाइम पे, तो लोगों ने बहुत मदद की है, तो अपना भी बनता है मदद करना। फाइनली निशान साहिब आ गया जो मैं आपको नीचे से दिखा रहा था, सो हम ऑलमोस्ट गुरुद्वारे पहुंच चुके हैं, बस अब आपको दिखानी है हमने ओपनिंग।
दूध बिन रोग रजाइयां दा ओड़न, दूध बिन रोग रजाइयां दा ओड़न, नाग निवासां दे रहना, नाग निवासां दे रहना, मित्र प्यारे नू हाल मुरीदां दा कहना, मित्र प्यारे नू हाल मुरीदां दा कहना। हम उधर पहुंच चुके हैं जिसकी सबको इंतजार थी, तो हम आ चुके हैं श्री हेमकुंड साहिब गुरुद्वारा फाइनली। भाई हिम्मत नहीं हो रही, बोला भी नहीं जा रहा इस टाइम पे, ठंड भी लग रही है, ऑक्सीजन भी नहीं आ रहा और सिर भी बहुत दर्द हो रहा है। थैंक यू सो मच पाजी। भाई अगर ये ना होता ना तो नहीं आ पाता भाई यहाँ तक। और अब महाराज ने बुलाया आपको, गुरु ग्रंथ साहब गुरु जी ने अपना बुलाया, वाहेगुरु जी ने भी बुलाया, तब आना। बाकी मैं अब वेट कर रहा हूँ उनकी, अपना दमन सेठी पाजी की, वो यहीं पर होंगे। और मेरा छोटा भाई सृजन, वो उसकी भी तबीयत खराब हो गई थी, तो एक बार मिल जाए सब, उसके बाद बाकी आपको। सूल सुराही खंजर प्याला, बिंग कसाइयां दा सैना, बिंग कसाइयां दा सैना, मित्र प्यारे नू हाल मुरी। पाजी फ्लावर्स की सेवा कर रहे हैं पाजी, वेरी गुड यार, वेरी गुड। और अपने सब्सक्राइबर्स भी हैं, वाहेगुरु जी की फतेह जी। बाकी पाजी आपका पहुंचे हेमकुंड साहिब, बस आपसे पहले थोड़ी देर। क्या बात है, क्या बात है, अभी तो हमें बिल्कुल भी एनर्जी नहीं हो रही है, बहुत टायर्ड है। देखो गाइस कितनी संगत आ रखी है अभी, भाई अंदर ना बहुत सारी संगत बैठी है, तो मैंने अभी गेट खोला तो मुझे लग नहीं रहा कि अभी हम लोग जा पाएंगे। जा पाएंगे, जा पाएंगे, जा पाएंगे। वाहेगुरु जी ने यहाँ तक बुलाया तो अंदर बैठाने की जगह भी देंगे। तो हम अभी हम जा रहे हैं गुरुद्वारा साहिब के अंदर, बहुत देर से वेट कर रहे थे, तो अभी आराम आराम से सब अंदर जाएंगे। तो भाई अभी बहुत सारी संगत आ चुकी है, तो हमारी एंट्री नहीं हो रही अभी, तो अभी हम लोग आगे वाले गेट से ट्राई कर रहे हैं कि हमारी एंट्री हो जाए और हम बाबा जी के दर्शन कर लें। बहुत लाइन लगी अभी लंबी, और पैर बिल्कुल जम चुके हैं। सही में भाई चला भी नहीं जा रहा, आइस बन हो गया भाई उनमें। तो फाइनली हमें गुरुद्वारा साहिब में एंट्री मिल गई है, एक सेवादार जी हमें पहचान गए थे, कहते पहले यूट्यूबर को एंट्री दो। सो भाई बाबा जी की मेहर हो रही है बार बार, बाबा जी के दर्शन कीजिए। तो अभी दिस इज द फर्स्ट डे जो आप लोग बाबा जी के दर्शन कर रहे हो, तो ये जो ब्लॉग है मैं कल सुबह 8-9 बजे तक डाल दूंगा ताकि आप सारे बाबा जी के दर्शन कर पाओ। वैसे हमें फाइनली बैठने की जगह मिल गई है। बाकी देखो पूरे गुरुद्वारे में कंबल का प्रबंध है, पूरी संगत को कंबल मिले हुए हैं, क्योंकि बाहर बहुत ज़्यादा ठंड है भाई। आप मानोगे नहीं, हमारे पूरे पैर फ्रीज हो गए थे, अब हम यहाँ बैठे हैं ना कंबल में पैर रख के, तब जाके हमें थोड़ी शांति मिली है। बाकी अब हम थोड़ा पार्ट सुन रहे हैं। मित्र प्यारे नू हाल मुरीदां दा कहना, तो
गाइस जो सरोवर है वो बस अभी इतना ही है क्योंकि बाकी जो पूरा सरोवर है पूरा फ्रीज हो रखा है बर्फ में। हम आए हैं लंगर हॉल में, यहाँ पे संगत के लिए बहुत ही अच्छा लंगर है, तो हम भी अब लंगर छकने जा रहे हैं। आपने लंगर छक लिया? चलो अब मेरे साथ एक और बार छक लो, आ जाओ। कैसा रहा ट्रैक? बढ़िया था? बहुत बढ़िया भाजी, बहुत बढ़िया। अच्छा इजी था थोड़ा, है ना, जैसे लग रहा था जितना डिफिकल्ट। सो फाइनली हमारे दर्शन जो है वो बहुत अच्छे हो गए हैं, ठीक है। पाजी का ऑक्सीजन भी थोड़ा कम हो गया था, सीजन का सिर भी थोड़ा दर्द हो रहा था, बट सारी चीजों का सामना करके हमने गुरुद्वारे के दर्शन कर लिए और बहुत अच्छे दर्शन हो गए। फाइनली फील हो रहा है कि भाई कुछ अचीव किया। बाकी भाई इस टाइम पे ना बहुत ज्यादा सिर दर्द हो रहा है और ऑक्सीजन भी नहीं आ रही, तो हम लोग जाने लगे नीचे। उसी ट्रैक से गया ना? मैं दूसरे ट्रैक से गया था। वो ट्रैक देख कितना लंबा है, 7 बार स्लिप हुआ जनता को क्या रिकमेंड करना चाहेगा, कौन सी ट्रैक से हो? ट्रैक से हो, बेस्ट है। सिटी वाला ना बढ़िया ना, यहाँ पर पकड़ने का भी सिस्टम है। ब्लैक आइस जिसे आप कहते हो वो पूरा हट चुका है, तो पहले तो भाई बहुत स्लिपरी हो रहा था। अभी मैं गुरुद्वारे बैठा था, एक बंदे ने मुझे बोला कि भाई आप कौन से रास्ते से जा रहे हो? मैंने कहा मैं सिटी के रास्ते से जा रहा हूँ। कहते टांगे चुड़वानी तो चले जा। मैंने कहा भाई ये क्या था? फिर पाजी ने मेरे को बोला भाई किसी बातों में बता, अपने हिसाब से चल। बाकी यहाँ पर कोई भी स्लिप वो अब वो स्लिपरी नहीं है सिस्टम जितना पहले था ना, अब ओके रिपोर्ट है। भाई हमें लग रहा था कि ढलान है तो हम बहुत जल्दी नीचे पहुँच जाएंगे, बट भाई ऐसी वाट लग रही है सबकी, भाई हर दूसरा बंदा स्लिप कर रहा है यहाँ पे। ओ भाई 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 ड्राइवर मिले हैं, ही इज़ इन इंडियन आर्मी, सो दिस इज़ अ वेरी प्राउड मोमेंट फॉर मी। थैंक यू सो मच पाजी, एंड पाजी यू आर डूइंग अ ग्रेट जॉब। मतलब ऊपर रहना और भाई लोगों को इतना ख्याल रखना, दैट्स अ बिग बिग थिंग। थैंक यू भाजी, थैंक यू सो मच। सो गाइस आज हम शाम को 5 बजे पहुंच गए थे, उसके बाद आके मैं 3-4 घंटे सोया और मैंने व्लॉग एडिट करना स्टार्ट किया और अभी तक मैं व्लॉग एडिट कर रहा हूँ। ऑलमोस्ट हो चुका है और 1 बज रहे हैं और हमें सुबह सुबह ना निकलना भी है, तो फाइनली व्लॉग एडिट करा। और व्लॉग एडिट करने का जल्दी ये रीज़न है कि मैंने सुबह 9 बजे व्लॉग डालना था ताकि जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं वो हेमकुंड साहिब के दर्शन कर पाएँ। बाकी यार अब मैं जा रहा हूँ सोने, बिकॉज मैं बहुत टायर्ड हूँ, मेरे को पहले व्लॉग अपलोड करना है फिर मैं सो जाऊँगा। 1 घंटा लगेगा व्लॉग अपलोड करने में। बाकी ऐसा लगता है आप लोग इतना सपोर्ट करते हो, प्यार करते हो, ऐसे ही सपोर्ट करो, प्यार करो। आई लव यू ऑल। मित्र प्यारे नू